तो हेलो गाइस, आप सभी को वेलकम है हमारे नग धमाकेदार फोटोग्राफी के वीडियो में। तो आज हम आपको कुछ इस टाइप की नेचुरली सनसेट वाली फोटो एडिटिंग करने को बताने वाले। तो वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहो बिना स्किप किए। तो बाय द वे चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा करके। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपनी फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया है। एंड ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें आ जाना है कलर वाले में। एंड कलर वाले में आने के बाद मिक्स में आ जाना है। एंड मिक्स में आने के बाद इसके सैचुरेशन को हमें एकदम इंक्रीज कर लेना है 100। एंड फिर आ जाना हमें ऑरेंज वाले ऑप्शन में। एंड इसके सैचुरेशन को हमें इंक्रीज कर लेना है 21 या फिर 20 भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 21 कर लिया है। एंड लुमिनांस को इंक्रीज कर लेना है 10। तो यहाँ पर मैंने लुमिनांस भी इंक्रीज कर लिया। फिर आ जाना है येलो वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पर आने के बाद इसके सैचुरेशन को हमें एकदम 100 इंक्रीज कर लेना है। एंड फिर ग्रीन पे आ जाना है। एंड इसके भी सैचुरेशन को हमें एकदम माइनस कर देना है 100। ओके, एंड फिर आ जाना है सियान वाले कलर में। एंड सियान वाले कलर में आने के बाद हमें इसके सैचुरेशन को एकदम 100 इंक्रीज कर लेना है। एंड फिर ब्लू में आ जाना है। एंड ब्लू में आने के बाद इसके सैचुरेशन को हमें यहां पर 26 या फिर 25 इंक्रीज कर लेना है। तो हमने कर लिया है 26। एंड फिर आ जाना है पर्पल वाले कलर में। एंड यहाँ पर इसके सैचुरेशन को एकदम माइनस कर देना क्योंकि हमें ये कलर नहीं चाहिए। एंड फिर कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ पर हमें इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेना है 16 या फिर 15। तो यहाँ पर मैंने कर लिया है। एंड फिर टिंट को इंक्रीज कर लेना है 5 या फिर 6। तो यहाँ पर मैंने 6 कर लिया है। एंड फिर नीचे आ जाना है। एंड इसके वाइब्रेंस को भी 4 या फिर 5 या फिर 6 कर लेना। तो यहाँ पर मैंने 6 कर लिया है, ज़्यादा मत रखना। फिर यहाँ पर आ जाना है इसके नीचे वाले ऑप्शन में, स्क्वायर वाले में। यहाँ पर आने के बाद इसके टेक्सचर को 4 इंक्रीज कर लेना है। एंड क्लैरिटी भी 4। एंड फिर नीचे डीएस है वो भी 4 इंक्रीज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर हमने कर लिया है। एंड फिर आ जाना है नीचे वाले ऑप्शन में, ट्रायंगल वाले में। एंड यहाँ पर हमें शार्पनिंग ऐड करना है, डिटेल देना है फोटो में। तो शार्पनिंग हमें ऐड करना है 4, यहाँ पर हमने कर लिया है। एंड फिर नीचे डिटेल को हमें एकदम फुल कर देना है। एंड फिर मास्किंग थोड़ा सा, कलर नॉइज रिडक्शन और डिटेल फुल। फिर नीचे आ जाना है कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा, कलर नॉइज रिडक्शन एंड डिटेल फुल। एंड यहाँ पर हमारी फाइनली फोटो एडिट होकर रेडी हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जूम करके भी आप लोग देख सकते हैं कितना गजब का फोटो एडिट हो गया है। मतलब क्या ही बोलो यार, कितना गजब, एकदम नेचुरल सनसेट वाला टोन आ रहा है। यहाँ पर बिफोर आफ्टर देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर कितना, मतलब क्या बोलूँ, जितना कमी है यार। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट